सीता सावित्री होती है, लेकिन अगर उसके खिलाफ तुमने एक भी कदम बढ़ा दिया तो वो काली के समान भी बन जाती है। प्यारे बताया, किनारी कितनी भोली भाली और जाके दुनिया पैर पड़ी, स्वर्ग बना देगी। लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज, स्वर्ग कब बना पाएगी? स्वर्ग तो तब बना पाएगी जब अपने कोठलन से गेहूं भर भर के अपने ललन को पड़ोस वाली दुकान पे ना भेजे तो स्वर्ग बना देगी। और अगर गेहूं भर भर के कोठलन में ते पड़ोस वाली दुकान पे भेजती रही और रोज खाती रही तो समझ लेना कि वो नारी घर को तो नर्क बना देगी। बताया प्यारे, पारू के पीति का बहू न चले और बिना परे के कहा दवाई, और अबे घर कबहू न अपन पेट के लड़का छोर चटोर लुगाई। लड़का चोर होते हैं, चटोर लुगाई होती है, तो ध्यान रखना प्यारे भक्तों, वो घर नरक बन जाता है। और नारी चाहे तो घर को सुनसान बना देगी, और नारी ही चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी। आज द्रौपदी अगर चाहती तो इतना बड़ा भयंकर युद्ध नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना प्यारे भक्तों, द्रौपदी के भी केस पकड़े तो द्रौपदी ने अपने केसों को खोल लिया, मन में विचार किया है कि इन केसों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इन केसों को इस दुशासन के रक्त से नहीं धोलूंगी, और इसी कारण इतना भयंकर युद्ध हुआ प्यारे।